उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव अफसर अंसारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों के मस्जिद व मजारों पर राज्य की सरकार का संरक्षण प्राप्त आतंकी संगठनों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। कई मस्जिदों में आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। राज्य की सरकार और पुलिस का रवैया हिंसा को बढ़ावा देने वाला रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि त्रिपुरा सरकार को निर्देशित करे कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हिंसा करने वाले संगठनों और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। हिंसा के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाने, हिंसा को उकसाने व मूर्ख दर्शक बने रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनकी आपराधिक विभागीय जाँच कराई जाए। सरकार पीड़ित मुसलमानों को हुए आर्थिक नुकसानों की क्षतिपूर्ति करे। मस्जिदों और मजारों को सरकार पुनः निर्माण कराए। ऐसी कई मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ज्ञापन भेजा गया। और आज किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया? आज मांग नहीं, आज जो है त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय की मस्जिद मदरसे और वहाँ के जो मजारों पे आगजनी जो निंदनीय घटना लगातार 3-4 दिन से चल रही है, उसके खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ, उन गुंडों के खिलाफ उनको अरेस्ट किया जाए। उन लोगों को बाहर घूमने की कोई आज़ादी नहीं है। जो एक समुदाय के खिलाफ निंदनीय घटना कर रहे हैं उनके खिलाफ हम जेल में डालने का, एक उन लोगों को जेल में डाला जाए, उनको सजा दी जाए, क्योंकि संविधान में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई घटना करने का किसी को अधिकार नहीं। हम यही आवाज उठाते हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि इन लोगों पे, इन देशद्रोहियों पे, इन आतंकवादियों पे, इन लोगों पे इन्हें अरेस्ट किया जाए, इनमें मुकदमे चलाए जाए और इन्हें जेलों में डाला जाए। हम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं इसी के, जो त्रिपुरा में मस्जिदों में आग लगाई गई है, मदरसों में आग लगाई गई है, मज़ारों पर आग लगाई गई है, जो वहाँ पे ये निंदनीय घटना हुई है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं।